हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम व्यंजन हिंदी क से लेकर न तक लिखेंगे और नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप देखिए। हम इसमें लिखेंगे एकदम अस्थाई रूप से हिंदी लेटर। हमें हिंदी में लिखने के लिए यही सब लेटरों की ज़रूरत होती है। जैसे कि हम लिखना शुरुआत में सीखते हैं तो पहले हम क ख ग यही सब अच्छा हिंदी में लिखने के लिए सीखते हैं। तो उसी के माध्यम से हम ये वीडियो बनाए हैं कि आप भी देख कर के वीडियो को सुंदर राइटिंग लिखें और लिख कर के एक अच्छा सा राइटर पेंटर बने। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे लिखते हैं। तो लिखने से पहले हम ब्रश को कैसे पकड़ेंगे, चलिए देखते हैं। हमें ब्रश लेना है और जैसे पेन पकड़ते हैं ठीक उसी तरह ब्रश को भी पकड़ना है। पेन में हम नीचे की तरफ पकड़ते हैं, मगर ये ब्रश को हमें कुछ ऊपर पकड़ना है। ऊपर इसलिए पकड़ेंगे कि जिससे हम कलर ब्रश में लगाएंगे तो पेंट हमारे हाथ में न लगे। अगर हमारे हाथ में पेंट लग जाएगा तो बैकग्राउंड या कपड़े पर भी लग सकता है। तो हम कोशिश करेंगे कि ब्रश को थोड़ा सा ऊपर ही पकड़ें और हमें ठीक ऐसे ही लिखना है। जहाँ हमें सीधा लिखना है वहाँ हम सीधा ब्रश करेंगे और जहाँ हमें कट करना है वहाँ पर ब्रश को नचा देंगे। तो चलिए हम देखते हैं और लिखते हैं। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम भी लिखें, तो इसके लिए आपको सिर्फ वीडियो को देखना है और आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए, हम जहाँ पर सीधा लाइनिंग बना रहे हैं वहाँ पर हम सीधा ब्रश को खींचेंगे और जहाँ पर हमें कट करना है या पतला करना है वहाँ पर देखिए हम ब्रश को कैसे घुमा रहे हैं। देखिए, जहाँ पर हमें तिरछा या पतला करना है वहाँ पर हमारा ब्रश को हम तिरछा कर दे रहे हैं और जहाँ पर हमें चौड़ा रखना है वहाँ पर ब्रश सीधा है। तो देखिए दोस्तों, ठीक ऐसे ही आप भी देख करके प्रैक्टिस करिए, आपको ज़रूर लिखना आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही राइटिंग पेंटिंग संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ साथ बेल आइकन पे प्रेस कर दें जिससे कि अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए सीखते हैं कुछ नया और देखते हैं वीडियो पूरा।